का इंडिया न्यूज पर मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, जहां मोदी कैबिनेट की आज अहम बैठक जो है वो होनी है, जहां बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट की ये अहम बैठक होगी और केंद्रीय कर्मचारियों को इसमें बड़ा तोहफा जो है मिल सकता है। त्योहारों के सीजन की शुरुआत के साथ ही डीए में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है, ये जानकारी जो है वो सामने आ रही है। इसके साथ ही साथ कई बड़े फैसलों पर मोहर लग सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ, जहाँ आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री आवास पर सुबह होनी है और 10:30 बजे का समय है जब प्रधानमंत्री आवास पर बैठक होगी। और आपको बता दें कि कई अहम फैसलों पर इसमें मोहर लगती हुई नज़र आ सकती है। महंगाई भत्ता 4% तक बढ़ सकता है। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि पिछली बैठक में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस का ऐलान जो है वो हुआ था। तो दिल्ली में आज केंद्रीय कैबिनेट की 10:30 बजे बैठक होनी है। संजय शर्मा हमारे सीनियर एडिटर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय सर, किस तरीके से जानकारी जो है वो सामने आ रही है इस बैठक से जुड़ी, क्या कुछ अहम फैसले जो हैं वो लिए जा सकते हैं? देखिए, हमने देखा था किस तरह से पिछली बैठक में कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस दिया गया था। आज जो कैबिनेट की बैठक होनी है उसमें केंद्रीय कर्मचारियों के डीए को बढ़ाने की बात हो सकती है, 4% डीए बढ़ाने की बात चल रही है। इसके अलावा महंगाई जिस तरीके से बढ़ती जा रही है खाद्य पदार्थों की, आलू प्याज टमाटर से लेकर के फूड ऑयल के सबके दाम जो आसमान पर छू रहे हैं, उसको लेकर के कोई फैसला कर सकती है सरकार। ये कहा जा रहा है कि कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी कम की जाए या कुछ चीजों पर जो एक्सपोर्ट है उसको उस पर बैन किया जाए या उसकी लिमिट कम की जाए। तो ये इन सारी बातें, इन पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है जिसमें सड़क हाईवे मंत्रालय के कुछ प्रोजेक्ट हैं, साथ ही साथ रेलवे मंत्रालय के कुछ प्रोजेक्ट हैं, उन पर भी कोई फैसला हो सकता है। तो देखना होगा आज कैबिनेट किन पर फैसला करती है। पूरी तरह से अपबीट मूड में है, फेस्टिवल मूड में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज जब कैबिनेट की बैठक शुरू होगी तो सबसे पहले कैबिनेट के सभी कलीग उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करेंगे, हरियाणा की जीत की बधाई देंगे। ग्रैंड वेलकम होगा आज प्रधानमंत्री का। आप कह सकते हैं कि इस पूरी जीत का, हरियाणा की जीत का पूरा श्रेय आज कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने जा रहे हैं सारे केंद्रीय मंत्री। इसके अलावा जैसे कि पिछली कैबिनेट बैठक में रेलवे के कर्मचारियों को बड़ी सौगात जो है वो दी गई थी, और चूंकि अब त्योहारों का सीजन जो है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा जो है वो मोदी सरकार आज दे सकती है, इसकी संभावना पूरी नजर आ रही है संजय जी? बिल्कुल, केंद्रीय कर्मचारियों को 4% डीए देने की बात चल रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि डीए अभी बढ़ाया जाए या फिर दिवाली के आसपास बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर अभी दिया जाएगा तो फिर दिवाली के पास सरकार के पास देने को ज्यादा चीजें बचेंगी नहीं। तो उस चीज को, उस फैसले को हो सकता दिवाली के पहले सरकार खोले, उसका पिटारा खोले, क्योंकि काफी लंबे समय से पिछली 2 कैबिनेट की बैठक से ये प्रस्ताव आ रहा है लेकिन इस पर फैसला नहीं हो पा रहा है। हमने देखा था पिछली बैठक में भी रेलवे कर्मचारियों को बोनस जरूर दिया गया लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बढ़ाने का फैसले पर फैसला नहीं हो पाया। तो आज भी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव जरूर आएगा लेकिन हमको देखना होगा कि आज फैसला होता है दशहरे के पहले या फिर दिवाली के पहले, ये देखना होगा क्योंकि टाइमिंग की बात है। क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि फेस्टिवल सीजन तो चल ही रहा लेकिन साथ ही साथ महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तारीखों को भी की भी घोषणा होनी है। हरियाणा के चुनाव पूरे हो चुके, जम्मू कश्मीर के चुनाव पूरे हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इन बातों को, चुनावों को ध्यान में रखकर के भी देखा जा रहा है। चुनाव को ध्यान में रखकर देखा जा रहा है और चूंकि चुनाव परिणाम भी सामने आए हैं, ऐसे में साफ तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे तो उनका स्वागत भी जो है वो भव्य होने की उम्मीद जो है वो की जा रही है संजय जी? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सारे केंद्रीय मंत्री स्वागत करेंगे, हरियाणा की जीत की बधाई देंगे और इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को दिया जा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने गरीब कल्याण की जो नीतियां जो सरकार ने बनाई है और सरकार ने लागू की है, सबसे बड़ी बात है किसानों का ध्यान रखा। हरियाणा एक ऐसा स्टेट था जहां पर के किसानों के आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव था, खुद किसान आंदोलन के बड़े नेता चढ़ूनी वो कुल मिलाकर के 1100-1200 वोट ही पा पाए, वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। तो ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हरियाणा की जनता ने इस पर मैंडेट दिया है, अपना फैसला दिया है और लगातार तीसरी बार बीजेपी को हरियाणा में सरकार बनाने का मौका दिया, तो ये बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप है, उनके काम है जिस पर सरकार के कामों पर जनता ने मोहर लगाई।
सरकार के काम पर जनता ने मोहर लगाई है, और इसके अलावा रेलवे से भी जुड़े कुछ अहम फैसले क्या बैठक में लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, रेलवे की कई सारी प्रोजेक्ट जो है पाइपलाइन में है, कई सारी जगहों पर रेलवे का विस्तार भी हो रहा है, कई जगहों पर वंदे भारत ट्रेन भी शुरू हो रही है। तो वंदे भारत हमने देखा था किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली बार एक साथ कई सारी वंदे भारत ट्रेनों को सौगात दी। अब चूंकि महाराष्ट्र और झारखंड की तारीखों का अनाउंसमेंट होना है, लिया जा महाराष्ट्र और झारखंड को देख करके सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है आज कैबिनेट में, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 13 अथवा 14 तारीख को महाराष्ट्र और झारखंड की विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, शंखनाद हो जाएगा। उसके बाद फिर सरकार को महाराष्ट्र और झारखंड की के जो प्रोजेक्ट हैं उनकी घोषणाओं का काम रोकना पड़ेगा। तो लिया जा आज की बैठक में, कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र और झारखंड के कुछ प्रोजेक्टों को मंजूरी दी जा सकती है, ताकि चुनावी फायदा भी उसका चुनावों में नजर आए। और महाराष्ट्र की जब बात करते हैं तो एक बड़ा वर्ग महाराष्ट्र में किसानों का भी है, तो ऐसे में किसानों को साधने को लेकर क्या आज की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कुछ फैसला जो है वो सामने आ सकता है? संजय जी, देखिए इस समय प्याज के दाम पहले से आसमान पर है, प्याज सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से ही आता है, और टमाटर भी बहुत महंगे हो रखे हैं संजय जी, एक्सपोर्ट की लिमिट खोली हुई है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के किसानों को ध्यान में रख करके किसानों को फायदा देने के लिए एक्सपोर्ट की लिमिट खोली है, जिसके कारण भारत के बाजारों में प्याज महंगा हो चुका है। अगर एक्सपोर्ट की लिमिट अगर कम कर दी जाती तो फिर भारत के देश में ही प्याज बिकते और फिर वो प्याजों के दाम नीचे गिर जाते, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। वो ये काम सरकार ने महाराष्ट्र के किसानों को ध्यान में रख करके ही किया, लेकिन महाराष्ट्र के किसानों को ध्यान में रख करके और भी कुछ बड़ी घोषणाएं सरकार कर सकती है। बिल्कुल, और लगातार केंद्रीय कैबिनेट की जब पिछली बैठक हुई उसमें भी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को जो है उसकी जानकारी बाद में अश्विनी वैष्णव की तरफ से दी गई, जो बैठक में फैसला हुआ। और क्या कुछ अहम जो है हो सकता है इस केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में, जिस पर जो है निगाहें सबकी बनी रहनी चाहिए? देखिए, सड़क परिवहन मंत्रालय के कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि कैबिनेट के पास में लंबित रखे हुए हैं। हमने देखा किस तरीके से नई पॉलिसी का कल भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया कि जब हाईवे बनेंगे तो लोगों के साथ में उनको हाईवे के साथ में क्या क्या सुविधाएं लोगों को देनी पड़ेगी, वहां पर किस तरह से रेस्टोरेंट होंगे, टॉयलेट्स होंगे, पेट्रोल पंप होंगे, साथ ही साथ मेडिकल की सुविधाएं भी देनी पड़ेगी। तो कई सारी घोषणाओं का ऐलान कल नितिन गडकरी ने किया, आज भी कैबिनेट की बैठक में वो सारे प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको कि कैबिनेट का देखना होगा कि कैबिनेट उन पर क्या फैसला करती है, क्योंकि सरकार ये ध्यान में रख करके काम कर रही है कि जनता को सुविधाएं मिले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा है कि तीसरी बार की उनकी जो सरकार है वो तीन गुना तेजी से काम करेगी, तो तीन गुना तेजी से फैसले भी ले रही है और तीन गुना तेजी से काम भी कर रही है। बिल्कुल, और चूंकि महंगाई भी जो है वो त्योहारों के इस सीजन में जो है वो बढ़ती हुई नजर आई है, प्याज का आपने जिक्र किया, टमाटर के दाम भी जो है वो बढ़ते हुए नजर आए हैं, तो आम लोगों को राहत मिले इसको लेकर क्या कुछ फैसला हो सकता है केंद्र कैबिनेट की बैठक में? देखिए, आम आदमी को अगर राहत दी जाती है तो फिर कहीं ना कहीं वो किसानों के साथ नाइंसाफी होती है, क्योंकि किसानों को अगर दो पैसे ज्यादा तभी मिलते जब चीजें महंगी दामों पर बेची जाए। जब किसानों अभी फिलहाल जब प्याज आलू या टमाटर जो कि हर घर में उपयोग होते हैं ये इनकी दाम जब आसमान पर हैं तब किसानों को फायदा मिल रहा है, लेकिन अगर इनके दाम अगर सरकार रोकने की कोशिश करेगी तो फिर किसानों के हाथ से वो फायदा निकल जाएगा। तो सरकार को ये देखना होगा कि सरकार किसके साथ खड़ी है, आम आदमी के साथ खड़ी है, किसानों के साथ खड़ी है, दोनों के साथ एक जैसा फैसला नहीं हो सकता। सरकार ने इसलिए लिमिट खोली थी, महाराष्ट्र सबसे बड़ा देश का प्याज उत्पादक राज्य है, प्याज सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होते हैं, तो प्याज की एक्सपोर्ट की लिमिट जब सरकार ने खोल दी विदेशों में बेचने के लिए, उसके बाद में भारत में प्याज के दामों में तेजी आई है। तो ये देखना होगा प्याज और टमाटर के दामों को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या कैबिनेट में किस तरीके का फैसला लेके आ सकती है, क्योंकि त्योहार अब सिर पर है और सरकार पर इस बात का दबाव पड़ते जा रहा है कि खाद्य पदार्थों के दामों में कमी करें। तो आज कुछ तीन फैसले सरकार इस आज की कैबिनेट की बैठक में ले सकती है, देखना होगा कि फैसलों के बारे में सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या डिसीजन लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी, हमारे से जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों